बापी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक नज़र आज की हेडलाइन पर। आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर। निकोबार द्वीप में भूकंप के दहशत रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई तीव्रता। भारतीय तट रक्षक बल ने बुझाई जहाज में लगी आग। सवार थे 30 नाविक और 16 वैज्ञानिक। अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पेद्दावीलु में आज सुबह सुरक्षा बलों और हथियारों से लैस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों के साथ राज्य पुलिस और CRPF की 198 बटालियन की मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर हो गए हैं। इसमें एक CRF जवान भी घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तड़के आए भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। यह भूकंप आज सुबह 9:43 पर आया। भारतीय तट रक्षक बल के जहाज विक्रम और सूर ने सागर संपदा नाम के जहाज पर लगी एक आग को बुझा दिया है। इस जहाज में चालक दल के 30 सदस्य और 16 वैज्ञानिक सवार थे। यह घटना कर्नाटक के मंगलुरु तट पर कल रात को घटी थी। जहाज की अब मंगलुरु बंदरगाह पर वापस लाया जा रहा है। वही तट रक्षक बल इस बात को पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आग किस वजह से लगी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।